दोस्तों एक और नया जो क्वेश्चन हमारी YouTube कम्युनिटी का है कि क्या हम अगर वीडियो क्रोम से अपलोड करते हैं तो उस पर ज्यादा व्यू आते हैं, ठीक है। यानी कि क्रोम पर वीडियो अपलोड करने से क्या हमारा वीडियो वायरल हो जाता है, क्या हमारे वीडियो के ज्यादा इंप्रेशन जाते हैं, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रोम वर्सेस यूट्यूब, ठीक है। किस जगह से कौन सी जो है जगह से हमें अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहिए, क्रोम ब्राउजर से या फिर यूट्यूब की जो एप्लीकेशन आती है उससे, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो, ठीक है। अगर सीधी सी बात है क्रिएटर हो तभी तो वीडियो देख रहे हो, नहीं तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत ही क्या है। तो क्रिएटर हो तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, छोटी वीडियो है, कोई लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, तो एंड तक देखना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप बताते हैं कि क्रोम और यूट्यूब में आखिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये मानना किन लोगों का है कि यूट्यूब से वीडियो वायरल हो जाता है, और ये मानना किसका है जो जिसका क्रोम से वीडियो वायरल हो जाता है। दोस्तों सबसे पहली बात कि यूट्यूब और क्रोम दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज है। क्रोम क्या है, क्रोम एक गूगल का ऐप है, ठीक है। यानी कि वहां पर आप गूगल के थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सर्च करना होता है लाइक कि दिल्ली कैसे जाएं, तो वहां पर पूरा का पूरा आपको वहां पर मिल जाएगा डाटा कैसे जाएं, गूगल बाबा वाला, यानी कि गूगल वहां पर पूरा काम करता है क्रोम के अंदर। और यूट्यूब है, यूट्यूब पर ऐसा कुछ होता नहीं, यूट्यूब पर सिर्फ आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप अपने क्रोम ब्राउजर पर सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल लॉगिन करोगे। चैनल लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर जो है डेस्कटॉप साइट को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी वहां पर एक चीज बता दूं कि वहां पर आपको कोई टैग और डिस्क्रिप्शन लगाने का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर के अंदर, ठीक। और वही अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वहां पर हमें डिस्क्रिप्शन लगाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, टैग लगाने का नहीं मिलता है, ठीक है। तो टाइटल और टैग वहां पर हम यूट्यूब पर लगा सकते हैं, तो एक प्रॉफिट हमें यूट्यूब एप्लीकेशन पर जरूर हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हमें अपलोड किससे करना चाहिए, क्रोम से या यूट्यूब से। तो दोस्तों मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरे जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं तो वो मैंने क्रोम से अपलोड किए हैं, ठीक है। अब ऐसा बहुत लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मेरे वीडियो जो वायरल हैं और अब व्यूज डाउन हो गए, तो ऐसा सबका मानना होगा कि मैंने वो क्रोम से ही अपलोड किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने क्रोम से कोई वीडियो आज दिन तक अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं किया है। मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं सारे के सारे वीडियो यूट्यूब के एप्लीकेशन से और सिर्फ मोबाइल के थ्रू अपलोड करता हूँ। मेरे पास लैपटॉप भी है, आप देख सकते हैं ये पीछे रखा हुआ है, लेकिन मैं सारा काम मोबाइल से और यूट्यूब एप्लीकेशन से ही करता हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो पर आप देख सकते हैं 2-2 लाख व्यू है, ठीक है, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे व्यू हैं, और सारे के सारे यूट्यूब एप्लीकेशन से। तो मैं तो रिकमेंड भाई सबको यही करता हूं कि यूट्यूब के ऐप से ही आप अपलोड करो, क्योंकि यूट्यूब ऐप बहुत ज्यादा ईजी है। और आपको एक बात और, एक जो प्रॉफिट है यूट्यूब पर अपलोड करने का यूट्यूब एप्लीकेशन से, वो क्या है कि अगर आपका नेटवर्क स्लो है, ठीक है, तब भी वहां पर अपलोडिंग लग जाती है। लेकिन अगर आप क्रोम पर लगाते हो ना, तो अगर आपका नेटवर्क एक बार स्लो हो गया या कट गया तो क्रोम का वीडियो अपलोड होना वहीं से कट जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रोम में आती है, तो इसलिए मैं क्रोम से नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा होती है आप लोग समझ सकते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो, ठीक है। तो मैं एक बिल्कुल कबाड़ा सा गांव है उससे बिलोंग करता हूं, ये समझ लो, ठीक है। बाकी घर अपना ठीक ठाक है, लेकिन गांव बहुत बेकार है, नेटवर्क बिल्कुल बेकार आते हैं हमारे यहाँ, घटिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको, आप जो भी क्रिएटर हो, जो काम कर रहे हो, वो यूट्यूब के ऐप के थ्रू आप वीडियो अपलोड करो, वो ज्यादा बेटर है। को मैं ये नहीं कहता हूं आप क्रोम से करो या कहीं से करो, ठीक है। तो यूट्यूब से अपलोड करो, क्रोम से आपको करना है। अगर आपके यहाँ नेटवर्क हाई स्पीड आते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, आप क्रोम से अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर नेटवर्क भी स्लो है और आपका जो है वहाँ पर टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन का भी आपको जो है ऑप्शन नहीं मिलता है, टैग और डिस्क्रिप्शन आप लगा नहीं सकते, तो इस वजह से जो है यूट्यूब ऐप ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। और ऐसा कुछ नहीं है कि क्रोम से वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल हो जाती हैं, ठीक है। मैं वीडियो वायरल मैंने जितनी भी की है सारी सारी मेरी यूट्यूब ऐप से हुई हैं, तो आप भी यूट्यूब ऐप के थ्रू ही वीडियो अपलोड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आप जो भी आपका जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। तो डाउट अगर आपका क्लियर हो गया है, आप मेरी बात से सेटिस्फाइड हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और
आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है यूट्यूब को लेकर, यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो और उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको दिख रही है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपका सोल्यूशन वहाँ पर आपको पर्सनली मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी का नीचे लिंक दी गई है इंस्टाग्राम की, वहाँ से जाके लिंक पर क्लिक करके जो है फॉलो कर सकते हो, या फिर यूजर नेम है पारस बुंदेलखंडी, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।